आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के बारे में, जो कि प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चैनल पर आप नए आए हैं और ला जीएस एंड हिंदी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को। पहला शब्द है नौका। नौका के पर्यायवाची क्या हैं? नाव, तरीड़ी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। मतलब पतंग भी नौका को बोलते हैं। पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधु, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। तो इसके भी जो है क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पत्नी के कई बार। पति, पति के पर्यायवाची शब्द भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। इसके बाद हवा के पर्यायवाची वायु, समीर, मरुत, वात, बयार। बयार गांव में हिंदी में बोलते हैं, बयार अभी नहीं चला ऐसे ना, तो बयार बोलते हैं। हाँ, तो हवा का पर्यायवाची बयार भी है। प्रकंपन, समीकरण। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ्स वगैरह तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, समीकरण बोलते हैं, तो यहाँ पे हवा का पर्यायवाची भी समीकरण ही है। पवन, पवन पुत्र हनुमान ना, तो पवन को मतलब हवा का पर्यायवाची पवन। पक्षी, पक्षी के विहंग और विहग दोनों हैं। देख लीजिए यहाँ पे हंग है और यहाँ हग है, ठीक है, तो विहंग और विहग, तो इसमें अंक बिंदु का अंतर है, तो याद रखिएगा दोनों पक्षी के पर्यायवाची ही हैं। खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। अब देखो यहाँ पे भी पतंग आ गया, तो पक्षी का भी पर्यायवाची पतंग होता है और ऊपर अभी यहाँ नौका, तो नौका का भी पर्यायवाची देखो पतंग है, ठीक है, तो नौका और पक्षी का पर्यायवाची पतंग ही है, ध्यान दीजिएगा। पर्वत, पर्वत का यहाँ पर भूधर होगा, शैल, अचल, महीधर, गिरी, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि, पहाड़, ठीक है। तो ये थे आपके पर्वत के पर्यायवाची शब्द, इम्पॉर्टेंट है। पंडित, पंडित के पर्यायवाची क्या हैं भाई? सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध। बुद्ध को भी मतलब पंडित, बुद्ध भी जो है पंडित का पर्यायवाची है। धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। पुत्र का, पुत्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं भाई? तनय हो गया, सुत हो गया, बेटा हो गया, लड़का हो गया, आत्मज, तनुज, ये हैं पुत्र के पर्यायवाची शब्द। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुत्री, तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। पृथ्वी, तो पृथ्वी का भू होता है इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए पृथ्वी के भी पर्यायवाची शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो
तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।